नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे चैप्टर 6, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, और हम हैं पेज नंबर 102 पे। और जो आप देख रहे हो ये जो डायग्राम लिखा हुआ ना, ये वाला जो है, हाँ, वो अब हम ये करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे वहाँ से, ज़रा आप अपनी बुक में देखो, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लूकोज जो होता है, जो शक्कर होता है बेसिकली, उसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए 6 कार्बन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल माने अणु। इन साइटोप्लाज्म ऊपर लिखा हुआ है, तो जो कोशिकाएं होती हैं उसमें साइटोप्लाज्म होता है ना। तो मैंने पहले भी दिखाया था आपको, तो ये है कोशिकाएं, ठीक है। ये कोशिकाएं पूरा, ये न्यूक्लियस है बीच में, जैसे दिमाग सेल का, और फिर ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पानी जैसा होता है, ये साइटोप्लाज्म पानी जैसा होता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा के लिए इम्पॉर्टेंट है सेल में, ठीक है। तो अगर ये ग्लूकोज हुआ साइटोप्लाज्म में, तो उसको जो है पाइरूवेट बना देते हैं, जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, उसमें खाली 3 कार्बन के एटम या अणु होते हैं। और उसको अगर पाइरूवेट के साथ ऊर्जा दे दो पाइरूवेट को, तो फिर अगर ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर वाला देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है जैसे यीस्ट में, जैसे खमीर में, तो फिर पाइरूवेट और ऊर्जा देके अगर ऑक्सीजन नहीं है, तो बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा तो है ही, तो ऊर्जा यूज़ भी होती है, ऊर्जा बनती भी है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, ठीक है, एंड एनर्जी, ऊर्जा भी निकलती है। जो इथेनॉल है उसमें 2 ही कार्बन है, तो पाइरूवेट में 3 कार्बन हुए और इथेनॉल में 2 कार्बन हुए, क्योंकि आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड में भी 1 कार्बन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 कार्बन इथेनॉल में होगा, 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में हो गया। फिर दूसरा वाला, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आर मसल सेल्स। अगर पाइरूवेट और ऊर्जा को लेके और ऑक्सीजन नहीं है, और ये हम अपनी मसल की बारे में बात कर रहे हैं, अपनी जो बाजू हैं, मसल हैं, उनके जो कोशिकाएं हैं उनमें पाइरूवेट और एनर्जी को कंबाइन करके लैक्टिक एसिड बनता है और ऊर्जा बनती है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। लैक्टिक एसिड, जैसे आप भाग रहे हो और सडनली जैसे मोच आ जाए, माने चल नहीं सकते, ऐसे लग रहा है जैसे एकदम टाइट हो गया है, वो क्योंकि लैक्टिक एसिड निकल रहा है मसल में, और जब तक वो लैक्टिक एसिड जाने नहीं देता मसल से, माने आप स्टॉप करो, थोड़ा रिलैक्स करो, लैक्टिक एसिड मसल से निकले, फिर से आप भाग सकते हो। तो लैक्टिक एसिड और ऊर्जा निकलता है। फिर तीसरा देखिए, पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड एनर्जी, अगर ऑक्सीजन होता है, तीसरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कोशिकाएं में होती है, अभी माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया आपको, तो फिर पाइरूवेट और एनर्जी के साथ ऑक्सीजन जब होता है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है, वाटर, और उसका फॉर्मूला है H2O, अच्छा, और एनर्जी बनता है H2O और ऊर्जा, ठीक है। तो ये हुआ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। जो ग्लूकोज, जो शक्कर है, जो बॉडी में जाती है, तो अगर ऑक्सीजन होता है या नहीं होता है, तो कैसे ग्लूकोज टूटता है, वो ये दिखा रहे हैं। फिर द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो ऊर्जा जब कोशिकाएं सांस लेती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, तो जो वो ऊर्जा जो निकलती है इज़ इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP, वो तुरंत यूज़ होती है बनाने में एक अणु जिसका नाम है ATP, उसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो अभी यहाँ लिखा नहीं है, पर ऐसे समझ लीजिए कि कोशिकाएं की जो एनर्जी है वो ATP से आती हैं, और ये जो ATP है वो बनती है जब सांस लेता है कोशिकाएं, विच इज़ यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल, और ये जो ATP है ये सेल की, कोशिका की ऊर्जा है, उससे जो है और सब कार्य जो भी करने होते हैं कोशिकाओं को, वो उससे होते हैं।
In these processes, in कार्यों में ATP is broken down, ATP को तोड़ दिया जाता है, giving rise to a fixed amount of energy. तो ATP जब टूटता है, तो fixed माने known वाला माने उतना ही हाँ ऊर्जा बनता है, which can drive the endothermic reactions taking place in the cell. तो वो जो ऊर्जा निकलता है एटीपी के टूटने से जो जो रिएक्शंस या कार्य हो रहे हैं कोशिकाएं में वो एटीपी से निकली हुई ऊर्जा द्वारा हो रहे हैं उसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एक्सो माने बाहर एंडो माने अंदर थर्मिक माने जो भी हीट जनरेट करता है जो गर्मी जनरेट करता है तो एक्सोथर्मिक माने बाहर जो गर्मी बनाता है एंडोथर्मिक माने अंदर जो गर्मी बनाता है सेल में वो जो है एटीपी से आता है ऊर्जा. ठीक है अभी मैं यहाँ बंद करती हूँ फिर अगली बार एटीपी का करूँगी.